नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जिन लोगों ने हमारे वीडियो पे कमेंट करके रिक्वेस्ट की है कि हमको MLM के बारे में समझाओ, ये MLM क्या होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी मार्केट में बातें फैलती है कि MLM से बहुत जल्दी तेज़ी से बहुत पैसा आता है, और दूसरी तरफ काफ़ी एक निगेटिव इमेज भी बनी हुई है MLM की। तो असल में इसकी रियलिटी क्या है, इसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, MLM एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है जिससे कि आप बहुत पैसा बना सकते हो, लेकिन उसके लिए कंपनी का जो विजन होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको उसका प्रोडक्ट यूज़ करते हुए मज़ा आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि बार बार मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करूँ, लोगों को भी दूँ, तब आप उस कंपनी को आगे, वो कंपनी जो है वो आगे तक सस्टेन करेगी। आपको लुभा के अगर लेके जाने वाली कंपनी होगी तो वो हमेशा प्रॉफिट की बात करेगी। तो आपको यूं ही अगर कोई कहेगा आपने नीचे दो लगाओ, दो के नीचे दो और लगाओ, दो के नीचे और दो लोग लगाओ और सीधा सीधा झटके से करोड़पति बन जाओ, तो ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला है। कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं होता है, बहुत ही मेहनत करने से करोड़पति बनेगा कोई भी। तो ये जो रातों रात करोड़पति बनने की बातें करते हैं, ये सब बकवास है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। लेकिन हाँ, MLM में पॉसिबल है अगर आप मेहनत करो तो, लेकिन उसके लिए आपको देखना ये बहुत ज़रूरी है कि जो कंपनी है उसका विजन जो है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, वो सस्टेन करने वाली है या नहीं करने वाली है, ये आपको देखना चाहिए। अगर उस कंपनी ने सिर्फ, जब आप उस लोगों से मिलते हो तो वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ के लोग, उस कंपनी के लोग सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, सिर्फ दो लोग लगाओ करोड़पति बन जाओ, प्रॉफिट यहाँ से पैसा आएगा, वहाँ से पैसा आएगा, इतने दिन में आप इतने पैसे कमा लोगे, ये सब अगर सिर्फ बात करने वाले हैं तो इसका मतलब वो कुछ महीनों में वो कंपनी बंद होने वाली है। उस पर बिल्कुल फोकस मत करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि उनकी वजह से नाम बदनाम है। अब ये जो चीज़ है कि MLM इंडस्ट्री इतनी बदनाम क्यों है, अगर इतना सब कुछ पॉजिटिव है उसमें तो ये इंडस्ट्री बदनाम क्यों है? ये इंडस्ट्री बदनाम इसलिए कुछ कंपनियों की वजह से, जैसे कि एक मार्केट में आई थी स्पीक एशिया कंपनी, इस तरह के जो स्कीम स्कैम कंपनी आई हुई है इनकी वजह से MLM इंडस्ट्री जो है वो बदनाम है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इंडस्ट्री ख़राब है, ये इंडस्ट्री बिल्कुल सही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए सही है जो बहुत ही मेहनती है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है ये इंडस्ट्री में, कि इसमें आपका जेंडर, आपका कास्ट, रिलीजन, आपका एजुकेशन, सेक्स, ये सब कुछ भी चीज़ ये सब मैटर नहीं करता। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो इसमें आपको सक्सेस मिलेगा, बट आपको हार्ड वर्किंग बहुत देर तक करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़े दिन किया और आपको लग रहा है यार मेरे को सक्सेस नहीं मिला, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो वैसे तो आपको इसमें सक्सेस नहीं मिलने वाला है। और आप कोई भी कंपनी में जाओ, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ने वाला है। कंटिन्यूस हार्ड वर्क कहाँ पे नहीं है, कंटिन्यूस हार्ड वर्क सब जगह पे आज की डेट में। तो यहाँ पर जो है वो जो बोलता है ना, कंपाउंडिंग आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब आज काम किया आज पैसा मिला, वो हमारा एक नॉर्मल जॉब या नॉर्मल बिजनेस होता है, वहाँ पे कंपाउंडिंग जो बेनिफिट होता है वो नहीं होता है। हम वहाँ पे रोज़ काम करते हैं, रोज़ पैसा कमाते हैं, यहाँ पे जब हमारी बड़ी टीम बन जाती है तो यहाँ पे हमको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलने लगता है। हम थोड़ा काम करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वो बहुत आगे की स्टेज में होता है, उससे पहले हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत थोड़ा पैसा मिलता है। आपको अगर शुरू में लग रहा है कि पहले ही महीने में मुझे करोड़ों का चेक आना चाहिए, या मैं बहुत सारे MLM वाले मैं देखता हूँ बोलते हैं कि अगले महीने में कार ले रहा हूँ, उससे अगले महीने में हेलीकॉप्टर आ जाएगा, 6 महीने में एरोप्लेन आ जाएगा, और 1 साल में उनका खुद का एयरपोर्ट खड़ा करने की बात करते हैं। तो ये सब बकवास बातों में बिल्कुल भी मत जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये लोग अनएजुकेटेड है, इनको जो बत्ती ऊपर से पढ़ाई जा रही है वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के अगर आपको मार्केटर्स मिल रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं MLM में, MLM को कई बार चेन मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर बाइनरी मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, इस तरह के नामों से भी MLM को जाना जाता है, तो अगर आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग में इस तरह के लोग मिले तो इनको इग्नोर करो। बाकी इंडस्ट्री बुरी नहीं है, आपको सिर्फ देखना ही है कि आप जब लोगों से वहाँ पे मिलते हो तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आती है या नहीं आती है। वहाँ के लोग सिर्फ प्रॉफिट 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 के बारे में बात तो नहीं कर रहे, एक विजन होना चाहिए कंपनी का, एक विजन के बारे में बात करना चाहिए, उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट आपको दूसरों को भी देने में अच्छा लगे, अदरवाइज आप दूसरों को दोगे कैसे। रिकरिंग यूज़ होना चाहिए आपका, बार बार उसको यूज़ करना चाहिए, उसकी एक इमेज होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स होने चाहिए जो बताने में आपको मज़ा आए। जब आप उस कंपनी के लोगों से मिलो तो आपको मज़ा आना चाहिए, उसका प्रोडक्ट यूज़ करने में मज़ा आना चाहिए। जब ऐसी कोई चीज़ में आप कर रहे हो तब MLM में जाने का मज़ा है। जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि MLM में आपको सैलरी बिल्कुल नहीं मिलती है जैसे बाकी जॉब में मिलती है, MLM में आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें जो इंसेंटिव्स के तौर पर जो पैसा मिलेगा आपको,
वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसके लिए पहले बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है। तो अगर आपकी बहुत हार्डवर्क करने की तैयारी है तभी आप MLM में जाओ, और वो भी कंपनी को अच्छी से जांच पड़ताल करके, लोगों से मिल के। पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, कंपनी का विजन होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तभी आप MLM में जाओ, ये मैं आपको बोलूँगा। अगर आपको कहीं पे भी निगेटिव एनर्जी लगती है, अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा, कंपनी ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेंगे, ये सब लोग सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और आगे चल के ये कंपनी पैसा लेके निकल जाएगी, तो ऐसे कंपनी में अपना वक्त बर्बाद ना करें, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, बस MLM इंडस्ट्री ख़राब नहीं है, कुछ ऐसे कंपनियां जो पैसे लेके फरार हो गई, पैसे लेके भाग गई, तो उसकी वजह से पूरी MLM इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हो चुकी है। बट इंडस्ट्री एज अ होल ख़राब नहीं है, अब बाकी आपके ऊपर है आप कैसे मेहनत करते हो। आपको सूट भी करना चाहिए MLM का जो थॉट प्रोसेस है, MLM का जो वर्किंग स्टाइल है, ये आपकी ज़िंदगी में सूट भी करना चाहिए। कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही एक्सेप्ट ही नहीं होता है कई लोगों को कि इस तरह से पैसा बनाया जा सकता है, तो ये बंदा कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जिनको ये प्रोसेस ही एक्सेप्टेबल नहीं है उनके माइंड में, तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लॉजिक पे ही बात करते हैं, मतलब लॉजिक होना ही चाहिए हर चीज़ के पीछे, वो अपना डेटा निकालेंगे, वो सारी बातें करेंगे, तो उन लोगों के लिए भी MLM बिल्कुल नहीं है। आपको ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, डेटा एनालिसिस और ये सारी फैक्ट्स लॉजिक्स पे भी बात करते आनी चाहिए, और आपको ड्रीम्स भी होने चाहिए, ये सारी चीज़ों पे बिलीव करना है आपको कि ये सब चीज़ें होने वाली है, हार्ड वर्क करके आपको फल मिलने वाला है, ये सारी चीज़ों पे आपको बिलीव भी करना है। तो बहुत सारी चीज़ें MLM में, तो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में आपको यही बताऊंगा कि जब आप किसी कंपनी के लोगों से मिलो MLM के लिए, तो वहाँ पे एक आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आनी बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट आपको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप ज़बरदस्ती वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो। अगर आप वो प्रोडक्ट ज़बरदस्ती खरीद रहे हो तो आपसे बाकी लोग ज़बरदस्ती नहीं खरीदेंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और ना कंपनी आगे बढ़ पाएगी, और इसलिए कंपनी थोड़ा बहुत कुछ करके आप अपना पैसा कमा के निकल जाएगी और आप रह जाओगे वहीं पे, आप कुछ नहीं कमा पाओगे। इसलिए ऐसी कंपनी चुनो जहाँ पे प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगे, आप खुद वो प्रोडक्ट बार बार यूज़ करते रहो, ऐसा आपको लगना चाहिए कि मैं ये प्रोडक्ट बेचूं या ना बेचूं, लेकिन मैं अपने लिए ये प्रोडक्ट लेता रहूँगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जब आपको ऐसा लगे तो उसी कंपनी में जाओ और उस कंपनी का विजन भी देखो, बहुत अच्छा विजन अगर हो तब उस कंपनी में, उस शिप पे आगे बैठ जाओ आगे जाने के लिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आज के लिए कि MLM में ये सारी चीज़ें होती है। अब मुझे लगता है कि आपका डाउट जो है वो लगभग सा क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक करो, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू।